हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ हम सबकी ऑल टाइम फेवरेट स्नैक्स रेसिपी, जो कि है आलू के समोसे। और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में और हम सभी का फेवरेट होता है। तो आज मैं इसे बिल्कुल भी बाजार के स्टाइल में नहीं बनाने वाली हूँ, अपने स्टाइल में बनाने वाली हूँ, जो बाजार के स्टाइल से भी काफी अच्छा है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे इंग्रीडियंट्स। उबाले और मैश किए हुए आलू, मैदा, चाट मसाला, प्याज, धनिया, मूंगफली, मटर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कोई भी सब्जी का मसाला, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, बारीक कटा लहसुन, हरी मिर्च और अजवाइन। तो चलिए सबसे पहले हम एक बर्तन में मैदा निकालेंगे और उसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा अजवाइन हाथे से मसल के, इस तक इसका फ्लेवर आ जाए पूरा। और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, लगभग 2 चम्मच यहाँ पे मैंने तेल डाला है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल के गूंथ लेंगे। हमें आटा जो है थोड़ा सा हार्ड गूंथना है, क्योंकि हम समोसे बनाने जा रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा हार्ड होगा तभी ये जो समोसे ऊपर से क्रिस्पी होंगे। तो देखिए आटा जो है हमने गूंथ के तैयार कर लिया है, और अब हम इसे ढक करके छोड़ देंगे। और जब तक वो सेट होता है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जितना तेल डाला है, और फिर हम इसमें डालेंगे अजवाइन हाथों से मसल के। उसके बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन और मूंगफली। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए अच्छे से भून गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को तेल के साथ मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे मटर, क्योंकि प्याज और मटर को मैं ऑलमोस्ट एक ही साथ पकाती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, चलाते रहे प्याज का रंग थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें सारे के सारे मसाले डाल देंगे, सब्जी मसाला, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक, सबको अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता और थोड़ा सा पानी। पानी हम इसलिए डालेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं और अच्छी तरह से मिल जाएं। देखिए अब हम इसमें डाल देंगे आलू, जैसे ही पानी थोड़ा सूख जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे आलू, और इसको अच्छे से मिक्स कर ले ताकि ये मसालों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और मसाले और जो नमक है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। अब हम डालेंगे इसमें चाट मसाला। चाट मसाला से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, सो इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो ये देखिए हमारा मसाला तैयार है, तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। और तब तक हम देख लेते हैं है तो हमारे जो आटा है वो एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। सेम शेप लें। अब एक बॉल को लेके उसके ऊपर थोड़ा सा आटे से डस्टिंग करके इसको हम बेलेंगे। अब जैसे कि हमने आटा थोड़ा हार्ड गूंथा, तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी इसको बेलने के लिए। और इसे हम बेलेंगे ओवल शेप में। ओवल शेप में बेल के हम इसको बीच से काट लेंगे। देखिए थिकनेस अच्छी खासी होनी चाहिए। फिर हम इसके काटे हुए साइड में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसको चिपकाएंगे। इसको हाथों से प्रेस करें, अच्छी तरह से चिपका दें ताकि बीच में बिल्कुल भी स्पेस ना रह जाए, अदरवाइज जब हम इसको फ्राई करें तो फट सकता है। अब हम करेंगे इसके अंदर स्टफिंग। तो आप स्टफिंग कम करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखिए मैंने तो यहाँ तक अच्छे से भर दिया है पूरा ऊपर तक। अब मैं इस पे पानी लगाऊंगी ताकि पानी की वजह से ये अच्छी तरह से चिपक जाए। इसको अच्छी तरह से ज्वाइन कर ले। और ये देखिए जो हमने कटे हुए पोर्शन की तरफ से इसको जोड़ा था वो एकदम सेंटर में आना चाहिए लाइन, तभी एकदम एक्चुअल समोसे जैसा दिखेगा। देखिए सबकी लाइन जो है बीच में आ रही है। तो हमारे सारे समोसे बन के तैयार है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल जो है ज्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। और अब हम इसे तेल में तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम हमेशा लो ही होना चाहिए, हाई हम लास्ट के 2 मिनट में करने वाले हैं। तो इसको उलट पुलट करके 4 बार हम इसका जो साइड है चेंज करेंगे और इसको पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 बार कर दिया है। इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे उल्टी साइड कर देंगे। तो ये देखिए जो हमारा समोसा है कितनी अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। मैं आपको फोड़ के दिखाती हूँ कि देखिए कितनी अच्छी तरह से स्टफिंग हुई और कितनी अच्छी तरह से ये पका है। देखिए कितना
कितनी अच्छी तरह से ये पक चुका है समोसा। तो ये देखिए हमारा जो समोसा है वो बिल्कुल तैयार है। तो आप भी सब बनाएं और एंजॉय करें, बाहर के समोसे खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।